जनता द्वारा डोमिनगढ़ और इलाहीबाग में जल जमाव की समस्या की शिकायत पर महापौर सीताराम जायसवाल के नेतृत्व में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जल जमाव की स्थिति को सही पाया गया, जिसकी पड़ताल करने के लिए डोमिनगढ़ और इलाहीबाग पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया गया, जिसमें डोमिनगढ़ पंपिंग स्टेशन पर लगे 12 पंपों में मात्र 2 पंप चलाए जा रहे थे, जिसके कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इस संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि पंपिंग स्टेशन पर लगे कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी दशा में कोई भी पंप बंद नहीं किया जाएगा, आवश्यकता के अनुसार सभी पंपों को चलाया जाए। उन्होंने बताया कि पंपिंग स्टेशन पर पंप बंद थे, यह कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही है, इस पर नगर आयुक्त को निर्देशित किया जाएगा। इससे जुड़े सभी कर्मचारियों पर विभागीय कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, जनता द्वारा बताया गया है कि डोमिनगढ़ और इलाहाबाद क्षेत्रों में काफ़ी जल जमाव है, तो नगर आयुक्त के साथ हम लोग उसको निरीक्षण करने के लिए निकले और देखा कि कुछ हद तक स्थिति जल जमाव की थी और जल जमाव होने के कारण आम नागरिकों का जब जीवन अस्त व्यस्त था। इसी के तहत हम लोगों ने डोमिनगढ़ और इलाहीबाग जो पंप हमारे लगे हैं उसका निरीक्षण हम लोगों ने नगर आयुक्त और हमारे मुख्य अभियंता सुरेश चंद के साथ हम लोगों ने किया है और निरीक्षण में देखा गया कि डोमिनगढ़ पंपिंग स्टेशन पर हमारे 12 पंपिंग सेट लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग निरीक्षण के समय देखा कि 2 ही पंप चालू थे, शेष पंप बंद थे। जो 150 हॉर्स पावर का मोटर वहाँ लगा हुआ है वो पूरी तरह बंद था, जो बिजली से संचालित होता है। कर्मचारियों ने बताया कि कुछ देर पहले इसे बंद किया गया क्योंकि उसमें कचरा फंस गया था। यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती। नगर आयुक्त ने सभी वहाँ उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित किया कि कोई भी पंप बंद नहीं होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार सभी पंप चलने चाहिए और 10-12 पंप में 2 पंप चलना बिल्कुल गलत है, जबकि वहाँ जल जमाव था। उसके बाद हम लोग इलाहीबाग पंपिंग स्टेशन पर पहुँचे हैं, जहाँ हमारे 10 पंपिंग सेट लगे हुए हैं। वहाँ पर 5 पंप चल रहे थे, यहाँ की स्थिति समान थी और वहीं से जीएम जलकल को निर्देशित किया गया कि अपने कर्मचारियों के साथ सभी पंपों की पूरी तरह से निगरानी करें और किसी तरह की अनियमितता नहीं बरती जाए। और जो डायरेक्शन नगर आयुक्त द्वारा दिया गया है उसका सभी कर्मचारी अक्षर से पालन करें कि आगे से किसी तरह की शिकायत जनता द्वारा नहीं मिले कि जल जमाव है और पंप नहीं चल रहे हैं। यह घोर लापरवाही है। नगर आयुक्त से कहा गया है
जो लोग भी दोषी हों उस पर शीघ्र कार्रवाई करें। नगर आयुक्त ने लाख बुक देखा, उसमें नम्रता पाई गई। इस पर अधिकारियों के कर्मचारियों जो उसके लिए जिम्मेवार है उन पर नगर आयुक्त नियम तक कार्रवाई करेंगे।